सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोस सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कभी एक क्वेश्चन तो कभी दो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इस चैप्टर से टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे। फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन को लिखकर आप याद करते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसका मतलब है फ्रेंड्स कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन सेकेंड, फ्रोज रूल्स वेर इंसिडेंट कहते हैं प्राचीन को, मतलब प्राचीन फ्रोज शासक कहाँ के थे, तो वह इजिप्ट के थे यानी कि मिस्र के थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, सिविलाइजेशन इज दी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं विकास की स्थिति को, और सिविलाइजेशन में सभ्यता, मतलब सभ्यता किसकी विकास की स्थिति है, तो पीपल लोगों की, सभ्यता लोगों की विकास की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर फोर, गिब्बन इज एसोसिएटेड कहते हैं जुड़ा हुआ को, मतलब गिब्बन किससे जुड़ा हुआ है, तो इटली, गिब्बन इटली से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका बेस है, किसका आधार है, तो यह इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है, भारतीय सभ्यता का आधार प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब राजनीति का कौन उत्साही नेता थे, तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर सेवन, माँ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय ये जो माँ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह एक बुक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी ने माँ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एक बुक लिखा था। क्वेश्चन नंबर एट, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ मतलब प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो है, किसका आदर्श है, तो यह वेस्टर्न फिलोसफर का आदर्श प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज मतलब कौन स्मॉल विलेज छोटा गांव में सेटिस्फाइड संतुष्ट होते थे, तो आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज लोग स्मॉल विलेज में ही सेटिस्फाई होते थे। क्वेश्चन नंबर टेन, आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल मतलब हमारे जो पूर्वज थे वह क्या एंजॉय करते थे, तो वह होम रूल को एंजॉय करते थे, अपने घर के नियम को एंजॉय करते थे। क्वेश्चन नंबर अलेवन, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन मतलब गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर मतलब गांधी जी किस पर डिफरेंट आर्टिकल विभिन्न प्रकार के लेख लिखे थे, तो वह यंग इंडिया पर लिखे थे। गांधी जी यंग इंडिया पर विभिन्न प्रकार के लेख लिखे थे, डिफरेंट आर्टिकल को लिखे थे यंग इंडिया पर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेंस गांधी जी कहते हैं कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड मतलब दिमाग बिना आराम करने वाली चिड़िया है, विच ऑलवेज रिमेंस जो हमेशा रहती है अनसेटिस्फाई रहती है हमेशा असंतुष्ट ही रहती है ये माइंड। क्वेश्चन 14, हैप्पीनेस इज ए लार्जली ए मतलब खुशी मुख्य तौर पर किस पर निर्भर करती है, लाजली मतलब मुख्य तौर पर, तो हमारी मेंटल कंडीशन मानसिक संतुलन पर निर्भर करती है हैप्पीनेस हमारी। क्वेश्चन 15, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम इसका मतलब है कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, वह किस चीज पर डिसऑर्डर करते थे, किस चीज से भड़कते थे, तो लग्जरीज एंड प्लीजर आरामदार एवं सुख जिंदगी से भड़कते थे, लग्जरीज मतलब सुख एवं प्लीजर मतलब आरामदार। क्वेश्चन 16, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी वर्शिप करती है, किसकी पूजा करती है, तो वह मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल का पूजा करती है। फ्रेंड्स, आज से आपको इस समय पर रोजाना शाम 6 से 7 के बीच आपको रोजाना 3 वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी हैज बीन रिटन बाय मतलब महात्मा गांधी क्या चीज़ लिखे थे, तो महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 18,
दी टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, दी टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन टेंडेंसी किसकी प्रवृत्ति एलिवेट करती है, किसकी प्रवृत्ति एलिवेट मतलब उठाती है, तो मोरालिटी नैतिकता की, नैतिकता को उठाती है, नैतिकता को इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट करती है इसकी टेंडेंसी को। क्वेश्चन 19, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश मतलब भारतीय सभ्यता क्या करती है, तो इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड मतलब भगवान पर, गॉड पर विश्वास करती है। क्वेश्चन 20, महात्मा गांधी वॉज डेड, महात्मा गांधी वॉज डेड मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 हुई थी, 30 जनवरी 1948 हुई थी। तो फ्रेंड्स यह था आपके इंग्लिश 100 मार्क्स के पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भी फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको इसी प्रकार आपके इंग्लिश 100 मार्क्स के चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे।